देहरादून से खबर है जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी जाएंगे। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर शाम को 5 बजे उत्तराखंड महोत्सव का भी सीएम शुभारंभ करेंगे। वहीं रात 8 बजे सीएम धामी लखनऊ से गुजरात के लिए जाएंगे, जहां पर बुधवार को इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो होना है और रोड शो में हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स से मीटिंग के बाद अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर मीटिंग की जाएगी। वहीं रोड शो में सीएम धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। तो कल गुजरात में रोड शो करेंगे सीएम धामी, उससे पहले आज उत्तर प्रदेश जाने का उनका कार्यक्रम है। 11 बजे के आसपास वो उत्तर प्रदेश जाएंगे और उसके बाद रात में 8 बजे वहीं से गुजरात के लिए निकलेंगे। गुजरात में इन्वेस्टर समिट से पहले रोड शो का आयोजन किया गया है और इस रोड शो का हिस्सा बनेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भारती सकलानी जुड़ गई हैं। भारती सकलानी मुख्यमंत्री के स्केड्यूल के बारे में बताएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री को पहले आज जाना है यूपी, लेकिन उसके बाद जब वो इन्वेस्टर समिट के लिए होने वाले रोड शो में शिरकत करेंगे, कब ये रोड शो रहेगा, क्योंकि आज रात को ही 8 बजे गुजरात के लिए निकलेंगे यूपी से। भारती, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, 1 तारीख को गुजरात में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हम लगातार देख रहे हैं कि उनके रोड शो चल रहे हैं इन्वेस्टर समिट्स के रिगार्डिंग। लेकिन इसमें जो खास बात है वो हम इस तरीके से समझेंगे कि अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस भी जगह पर गए हैं, चाहे हम दुबई की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, वहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की है और उन्होंने उसके बाद देहरादून में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने माना ये बात कि कई इन्वेस्टर्स जो है वो उत्तराखंड में काम करने में दिलचस्पी रख रहे हैं और अब कोशिश भी सरकार की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाया जा सके। इसी कड़ी में अब गुजरात में ये रोड शो होने जा रहा है और यहाँ पर व्यापारियों के साथ वो मीटिंग करने वाले हैं। खास बात ये भी रहने वाली है, उन्होंने ये भी माना कि जो इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में आना चाहते हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बात की कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी थोड़ी और बढ़ाई जाए तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो यहाँ पर इसे कहा जा सकता है कि लोगों के मन को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं वो भी इन जो ये रोड शो हो रहे हैं उनके ज़रिए किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में कैसे निवेश आ सके, कैसे युवाओं को रोज़गार मिल सके, इन तमाम बातों को लेकर ये इन्वेस्टर समिट बहुत महत्वपूर्ण है। और अब अगला जो दौरा है, जो मीटिंग होने जा रही है, जो रोड शो होने जा रहा है, वो है गुजरात में। जी, बहुत शुक्रिया भारती सकलानी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में 30 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है। पर्यटन नीति में संशोधन करके सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। नए उद्योग लगाने के साथ ही पुराने उद्योगों को भी एक्सटेंशन पाने के लिए छूट दी गई है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए भारत सरकार की नीति को लागू करने की मंजूरी दी गई है। 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी और प्राइवेट गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर कॉमर्शियल टैक्स पर 15%, निजी गाड़ियों पर 25% की छूट मिलेगी। 8वीं के बाद ITI करने वाले छात्रों को सिर्फ हिंदी का पेपर पास करके हाईस्कूल पास का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं 10वीं के बाद ITI करने वालों को हिंदी पेपर पास करके इंटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राज्य के 119 शासकीय कॉलेज और 4 यूनिवर्सिटी में एक एक योग टीचर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी और मसूरी के पास कैप्टी फॉल एरिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला हुआ जो कि पुरानी पेंशन को लेकर रहा। 1 अक्टूबर 2005 से पहले सरकारी नौकरी के लिए जो भी विज्ञापन निकाले गए और नियुक्ति भले ही 1 अक्टूबर 2005 के बाद हुई हो, ऐसे करीब 7,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के वो हकदार होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अक्टूबर 2005 के बाद निकाले गए नौकरी के विज्ञापनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। है वो 1 अक्टूबर 2005 थी, तो उस तारीख को जितने भी पदों की विज्ञप्ति निकल चुकी थी या नोटिफिकेशन हो चुकी थी उसके अगेंस्ट जितने भी कर्मचारी अधिकारी बाद में भर्ती होके आए उनको विकल्प दिया जाएगा।
अगर वो चाहेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। कैबिनेट का निर्णय हो गया, जियो हो गया, लगभग 3 महीने का समय दिया जाएगा विकल्प देने के लिए, तो जो विकल्प देंगे उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। आज पुरानी पेंशन जो बहाली जो वर्षों पुरानी मांग थी, आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा पास किया गया, जिसके लिए समस्त शिक्षकों में उत्साह है। और चलिए बड़ी खबर, रामनगर में बाघ का आतंक जारी है। मोहान में सोमवार को बाघ ने मजदूर पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पिछले साल भी बाघ ने मोहान इलाके में कई घरों पर हमला कर दिया था। वहीं एक बार फिर से बाघ का आतंक बढ़ गया है। लोगों ने विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की है। तो बाघ के आतंक से लोगों में दहशत है, परेशान हैं लोग। और रामनगर में एक बार फिर से ये वारदात सामने आई है। चलिए गोविंद पाटनी ज्यादा जानकारी देंगे, रामनगर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद, पहले भी हम देख चुके हैं बाघ का आतंक कई बार, एक बार फिर से एक मजदूर को घायल कर दिया, क्या अभी तक वन विभाग की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया गया है, कब तक पकड़ा जाएगा बाघ? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मोहान से लेकर के पनोद नाले तक पिछली बार जो है दो बाघिन थी जिन्होंने आतंक मचाया था, जिसमें से दोनों बाघिनों को पकड़ा गया था। करीब 1.5 साल पुरानी घटना है। जनवरी के महीने में जो दूसरी बाघिन पकड़ी गई थी, उसके बाद से पूरा मामला शांत हो गया था। इसमें 4 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये कल एक घटना हुई है जिसमें सुबह जो है एक व्यक्ति पर हमला किया, एक मजदूर था उस पर हमला किया है और उसके बाद उसे घायल किया। हो सकता है क्योंकि वो जो समय बताया जा रहा है जिस समय ये घटना घटी है, उस समय समय जो था वो बहुत सुबह का था, सुबह ये घटना घटी है, तो उस वक्त हो सकता है कि उस बाघ को ये नजर ना आया हो कि ये चौपाया है या दोपाया है, तो उसमें उसने ये हमला कर दिया हो। और लेकिन अगर ये हमला उसने मानव पे ही किया है, इंसान पे ही किया है, तो ये काफी गंभीर बात है। अगर उसने जानते समझते इंसान पर हमला किया है तो काफी गंभीर है, क्योंकि कॉर्बेट के आसपास इस तरह की घटनाएं बढ़ना ये काफी चिंताजनक है। ये मानव वन्यजीव टकराव यहाँ काफी देखने को मिल रहा है, इस बीच में तो काफी ये संख्या बढ़ रही है। तो विभाग जो है अभी यहाँ पर गश्त करा रहा है, गश्त कराने के साथ साथ वो लोगों से अपील कर रहा है कि वो झुंड में बाहर निकले, अकेले बाहर ना निकले। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका गोविंद पाटनी। उद्यान विभाग का घोटाला कितना बड़ा है और किसानों के नाम पर गड़बड़ी के तार कहां कहां तक जुड़े हैं, इन सवालों के जवाब अब सीबीआई जांच में मिलेंगे, जब माली से लेकर महानिदेशक तक से पूछताछ होगी कि आखिर इतनी बड़ी बंदरबांट कैसे हुई। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उद्यान विभाग घोटाला उत्तराखंड में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला निकला। सीबीआई की जांच के दायरे में पेड़ लगाने वाले माली से लेकर महानिदेशक तक आएंगे कि आखिर किसानों के नाम पर मंजूर करोड़ों रुपए का क्या हुआ, विभाग के अफसरों की भूमिका कितनी संदिग्ध है, उसकी पोल आरटीआई में मिली ये सूचना खोलती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायक के भाई को सेब के पौधे मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 50% कीमत चुकाने पर दिए गए, जबकि इसके ठीक उलट आरटीआई में खुलासा हुआ है कि विधायक के भाई को सेब के 2,402 पौधे फ्री में दिए गए। इस बात पर विधायक के भाई से ज्यादा सवाल उद्यान विभाग पर खड़े होते हैं और जांच शुरू होने पर ऐसे ही सवालों के जवाब विभाग के माली से लेकर महानिदेशक और सचिव को देने होंगे। विधायक जो है मुफ्त में जो है उद्यान विभाग से सेब के पौधों को लेने का काम करता है, तो इससे गंभीर विषय तो दूसरा हो नहीं सकता है। ये तो प्रथम दृष्टता जो है भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता तो को प्रदर्शित करता है। तो विभाग और सरकार की मिली भगत है। सवाल ये भी है कि इतने बड़े घपले में निर्देशक बावेजा को सस्पेंड करने के अलावा किसी और पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। न्यूज 18 ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए उद्यान विभाग का रुख किया, लेकिन छोटे अफसर घपले पर कुछ नहीं कहना चाहते। मंत्री गणेश जोशी विदेश दौरे पर हैं, सचिव दीपेंद्र चौधरी चुनाव की ड्यूटी में हैं और महानिदेशक और निर्देशक रणवीर सिंह चौहान मीटिंग में व्यस्त रहे। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सीबीआई जांच में जो जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं।
सीबीआई जांच होने के बाद दूध का दुपहर आखिरकार जो भी उस पर दोषी है वो सजा उसको मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान ही सीबीआई द्वारा होगा। सीबीआई जांच को आने दीजिए, उसके बाद जो भी कार्रवाई इस संदर्भ में होगी वो सरकार द्वारा की जाएगी। उद्यान विभाग आमतौर पर कम ही चर्चाओं में रहता है, लेकिन विभाग के अफसरों की कारगुजारियों ने उद्यान को बदनाम कर दिया है। और उससे भी बड़ी बात ये कि मेले से लेकर पौधों तक में बड़ा खेला उन किसानों के नाम पर हुआ जिनके नाम पर करोड़ों की स्कीमें बनती हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ से नियमित हवाई सेवा का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। क्षेत्रीय विधायक मयूक मेहर ने इस मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। विधायक मेहर ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में धरना शुरू किया। विधायक का कहना है कि डबल इंजन की सरकार हवाई सेवा के नाम पर लोगों के साथ छल कर रही है, जबकि केंद्र से लेकर राज्य सरकार पहले सितंबर और फिर पीएम के दौरे के बाद नियमित हवाई सेवा का दावा कर रही थी, बावजूद इसके हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है। विधायक ने साफ किया कि नियमित हवाई सेवा के साथ अन्य तीन मुद्दों को लेकर उनका आंदोलन अब पूरी तरह से जारी रहेगा और मांगे भी लगातार जो उनकी जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इसको लेकर आंदोलन जारी रहेगा। हवाई यातायात ऐसे यातायात से दिल्ली देहरादून पूरे देश में आवागमन करेंगे और उनके अच्छे दिन आ रहे हैं, पर दुखद बड़ी दुखद बात है कि आज 7 साल इस सरकार को लगातार इस प्रदेश में शासन करते हुए हो चुका है, पर पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी में अभी तक कोई हवाई सेवा का संचालन नहीं हुआ है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि आदि कैलाश आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। चुफाल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने से इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में एक पहचान मिली है। नतीजा ये है कि हर दिन 1000 से ज्यादा सैलानी आदि कैलाश क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिससे होम स्टे और होटल संचालकों को काफी फायदा मिल रहा है। साथ ही चुफाल ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में आदि कैलाश के जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पार्वती कुंड तक और अंतिम गांव जाने तक रोजगार देखा जो कि 1000 की संख्या भी ज्यादा लोग जा रहे हैं। ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की नहीं। तो इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को जो होम स्टे बने जो होटल थे उनमें जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि किसको पता था कि इतनी जल्दी में इतने पर्यटक आएंगे यहाँ। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर तक रोड बना रखी बीआरओ अब तक शिकंजा कसता जा रहा है। लिपुलेख रोड में लगातार हो रहे दर्दनाक हादसों को देखते हुए पुलिस ने पहली बार गैर इरादतन हत्या का मामला बीआरओ के खिलाफ दर्ज किया है। ২০২০ में लिपुलेख तक रोड काटकर भले ही बीआरओ ने वाहवाही लूटी हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अहम इस रोड का जो हाल फिलहाल है उससे बीआरओ की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। करोड़ों की लागत से कटी इस रोड में बीते दिनों दो बड़े हादसे हो चुके हैं। एक के बाद एक हुए हादसों में 13 लोगों की जान चली गई है। लगातार हो रहे हादसों के बाद अब पुलिस ने बीआरओ के खिलाफ शिकंजा कस दिया है, साथ ही उसकी सहयोगी गर्ग एंड गर्ग कंपनी के खिलाफ पहली बार मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोगों के द्वारा की जाएगी, जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं रोड को लेकर और कोई भी अगर इसमें संस्था या फिर कोई इसमें प्राइवेट पार्टी जो भी इसमें जिम्मेदार होता है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दुर्गम इलाकों को रोड को कनेक्ट करने के लिए 1960 में बीआरओ का गठन हुआ था, लेकिन उत्तराखंड में बीआरओ की कार्यप्रणाली पर अक्सर सवाल उठते ही रहे हैं। हालात तो हैं कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले बीआरओ पर राज्य सरकारें भी मनमानी का आरोप लगाती रही हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी में बीआरओ बॉर्डर इलाकों में रोड बना रही है, लेकिन सबसे अधिक सवाल लिपुलेख रोड पर खड़े हुए हैं। पैरा फिट नहीं है और साथ ही जो है बड़े बड़े बोल्डर जो विस्फोट के बाद जो है वो लटके हुए हैं, इन पर लगातार जिलाधिकारी मैम के द्वारा भी
उनसे अनुरोध किया गया है कि भाई इसको हटाओ, जो लटके हुए बोल्डर है उनको हटाओ और साथ ही सड़क जो है फाइनल की तरफ बढ़ो। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड सुरक्षा के लिहाज से तो अहम है ही, साथ ही ये रोड आदि कैलाश और ओम पर्वत जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों को भी जोड़ती है। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश को लेकर सैलानियों का क्रेज बढ़ा है, लेकिन मौत को दावत देती लिपुलेख रोड अब लगता है कि इन संभावनाओं को खत्म कर रही है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने 2 दिन पहले केदारनाथ धाम के दर्शन किए और उन्होंने अपने टूर का वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सारा पहले भी केदारनाथ आ चुकी हैं, आप भी ये वीडियो देखिए। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कोटद्वार में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई, कौड़िया रेलवे फाटक के पास की घटना। रामनगर में एक बाघ ने शख्स पर हमला कर घायल कर दिया, पीड़ित हरलाल सिंह मजदूरी करता है। अल्मोड़ा के SSJ परिसर में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही छात्रों ने तैयारी तेज कर दी है, परिसर में छात्र संगठन शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गए। टिहरी में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने और योजनाओं को फील्ड में जाकर देखने के निर्देश दिए। पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी की रवाइंग घाटी का दौरा किया, इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने पशुपालकों की समस्याएं भी सुनी। रुड़की पुलिस ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों से अपील की है कि बाजार आते वक्त 4-व्हीलर की जगह 2-व्हीलर का इस्तेमाल करें। कुमाऊं में होगा एयरफोर्स का सेमिनार की चर्चाएं तेज, एयर चीफ मार्शल ने अल्मोड़ा जिले के भकरा कोट में एक रिजॉर्ट का मुआयना किया। अल्मोड़ा में शिव सिंह बिष्ट का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी के हर साल रेट बढ़ाने की प्लानिंग, विभाग ने कहा अब हर साल रेट रिवाइज किए जाएंगे। टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।